उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष चंडीगढ़ के पंचकूला में आयोजित मंडी परिषद की 2 दिवसीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बैठक का उद्घाटन करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दयाल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे सभी किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा और हर राज्य अपने कृषि उत्पादों का दूसरे राज्यों में विक्रय ठीक प्रकार से कर सकेंगे। वहीं उत्तराखंड मंडी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू ने कहा कि इससे उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र के छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। उनके मोटे अनाज को उचित कीमत पर खरीद कर पूरे देश में विक्रय किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर वह किसानों के हित में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मंडी परिषद के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे राज्यों के मंडी परिषदों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम एक दूसरे का माल किस प्रकार ले सकते हैं, किस प्रकार किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं और इस पर चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। मैंने भी अपने क्षेत्र की बात रखी क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में मोटा अनाज होता है और मोटे अनाज को माननीय मोदी जी से लेकर पूरी दुनिया ने इस समय सराहा है और मैंने भी कहा कि बड़ा स्वास्थ्यवर्धक हमारे यहाँ मोटा अनाज होता है, उसका विपणन ठीक प्रकार से उसके इस बारे में चर्चा की। बहुत सकारात्मक चीज़ें निकल कर आई हैं और निश्चित रूप से इस बैठक के बाद ये भी जानकारी में आया कि राज्यसभा में इस सवाल को उठाया गया और केंद्र सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करी किस प्रकार सामंजस्य करके सारे मंडी परिषद सारे एक दूसरे के साथ सारे राज्य समन्वय करके किसानों को अधिकतम लाभ